स्त्री को हमारे समाज में लक्ष्मी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रंथों में भी स्त्रियों के स्वभाव और उनके भविष्य से जुड़ी बातों के बारे में रोचक वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता में स्त्रियों के दो प्रकार बताए गए हैं, शुभ लक्षणा और अशुभ लक्षणा। शुभ लक्षणा के आधार पर स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जबकि अशुभ लक्षणा को अलक्ष्मी कहा जा सकता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि महिला के दांतों की बनावट, आंख, नाक, कान, पेट व शरीर के अन्य हिस्सों को देखकर बताया जा सकता है कि वह अपने पति व अपने ससुराल वालों के लिए कैसी होगी। तो दर्शकों, आइए इसी विषय पर आज की वीडियो में और गहराई से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कहा जाता है कि अगर किसी महिला के पैर की कनिष्ठ उंगली जमीन को ना छुए तो ऐसी स्त्री वक्त के साथ अपना चरित्र भी बदल लेती है। अगर महिला लंबी है और उसके होठों के ऊपरी हिस्से पर अधिक बाल हैं, तो वह पति के लिए अशुभ मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो महिला बहुत अधिक गुस्सा और लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसी स्त्री के चरित्र पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, वे घर में कलेश की वजह बनती हैं। यदि महिला के दांत मोटे और चौड़े हैं तथा वह मुंह से बाहर निकलते हुए दिखते हैं, तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा रहेगा। यही नहीं, मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी होती है। अगर महिला के हाथों में नसों में उभार और हथेलियां चपटी हों, तो वे हमेशा सुख और धन से वंचित रहती हैं। लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का बात व्यवहार तथा आचरण या आदत एक जैसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आप औरतों के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अगर किसी स्त्री को बात बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसका स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो ऐसी औरतों के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो पुरुषों को कभी भी धोखा दे सकती हैं। अगर किसी स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा है और बाहर निकला हुआ है और नसें काफी बाहर हैं, ऐसी औरतें भी अशुभ मानी जाती हैं। इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर किसी स्त्री का पेट घड़े के आकार का है, तो ऐसी औरतें उम्र भर गरीबी तथा दरिद्रता में जीवन यापन करती हैं। और जिस महिला का पेट गद्देदार और लंबा होता है, तो इस तरह की औरतें भी अशुभ मानी जाती हैं। हालांकि दर्शकों, हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्त्री के बारे में अपनी धारणा बनाना वो भी गलत बात है, क्योंकि बाहरी बनावट के अलावा भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं, जो किसी स्त्री को अच्छा या बुरा बनाती हैं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि स्त्रियां माथे पर बिंदी क्यों लगाती हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।